आइए चलिए देखते हैं कि बिंज एप्लीकेशन में आप डॉकिंग या फिर कस्टमाइजेशन फंक्शन कैसे यूज कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने वॉचलिस्ट ओपन किया है और मैंने मेरा एक चार्ट ओपन किया है। बट अगर मुझे वॉचलिस्ट देखना है तो मुझे बार बार चार्ट क्लोज करना पड़ेगा या फिर चार्ट मुझे मूव करते रहना पड़ेगा। बट अगर मुझे ये दोनों अगर एक साथ देखने हैं तो मुझे चार्ट फंक्शन को डॉक करना है। डॉकिंग के लिए आपको कोई भी जो भी विंडो है उसको सिलेक्ट करना है और आपको ड्रैग करना है। जब आप ड्रैग करोगे तब आपको एक हल्का सा फंक्शन दिखेगा जहाँ पे आपको ले जाके वो विंडो छोड़ देनी है। तो जो भी आपने विंडो सेट की थी, सिलेक्ट की थी, वहाँ पे वो चार्ट मूव हो जाएगा। इसके साथ अगर मुझे और भी कुछ अगर ऐड करना है तो जैसे कि देख सकते हो मैं ऑप्शन चेन ऐड कर रहा हूँ, तो ऑप्शन चेन भी अगर मुझे ऐड करना है तो मुझे वहाँ पे लेके जाके बस वहाँ पे ड्रॉप कर देना है। तो एक ही साथ मैं बहुत सारे विंडोज ऐसे सेट कर सकता हूँ और मैं अपना एक कस्टमाइजेबल लेआउट बना सकता हूँ। जब भी आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन करोगे ये आपको लेआउट वैसे की वैसे ही ओपन होगा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.